आउट कर थोड़ा जूम आउट और कर फोटो साथ में सर एक साथ में हां क्लोज और अभी क्लोज कर कैंची बिना कैंची कैंची दे दे बस 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 टाइम पर नीचे अभी जूम नीचे कर पूरा ऊपर ले बस अब इधर ले अब जूम आउट कर जूम आउट कर पूरा दोनों पोस्टर ले नीचे यहां पे हो गया यहां पे देख अभी वापस जूम कर ले वो बस 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 ले या फिल्म आते फिल्म आते बस बस ज्यादा फास्ट Now I would like to invite Mr. Prateek Kumar from the Bombay Talkies family to come on stage and give the respectful honor to our chief guest Mr. Azad for his सैकड़ों भाषाएं हैं लेकिन सारी भाषाओं और जैसे भी कुछ देर पहले मैंने कहा कि देवनागरी लिपि इतनी आसान भाषा है बाकी भाषाएं मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन है आज मराठी हिंदी और संस्कृत को एक लगते तो तीनों एक जैसी है बाकी भाषाएं कठिन लोग कहते हैं तो मूल भाषाएं अपनी अपने जड़ों की तरफ लौटना यानी अपनी जड़ों की बातें करना हो तो संस्कृत जानना चाहिए बोलना चाहिए कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल लाना चाहिए हम बाहर की भाषाएं लेके चल रहे हैं जर्मन फ्रेंच इंग्लिश दुनिया भर का तो इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए ऐसी मेरी मान्यता है मैं चाहता हूँ आज़ाद जी इसमें जो संस्कृत में आपने जो ये कलाकार हैं इसके इनको कुछ डिफिकल्टीज हुई है डायलॉग डिलीवरी में डिफिकल्ट तो होती है सब स्वाभाविक क्योंकि जैसे मैं जितने आसानी से कह लेता हूँ कि मैं तो करना चाह रहा बाकी लोगों को तैयार किया करवाया जिस तरीके से बोल पाए क्योंकि मैं देखा कि साउथ में लोग जाते हैं हिंदी बोलने उनको साउथ के नहीं आते वहाँ काम करते हैं फिर तो बहुत आसान अच्छी हिंदी से मिलती जुलती मराठी से मिलती हुई भाषा है ये तो करना ज़्यादा आसान था लोगों ने किया कुछ लोगों को दिक्कत हुई तो उसके संभाल लिया कोई दिक्कत नहीं आई कितने गाने हैं इस फिल्म में चार गाने संस्कृत भाषा के बुनियाद पे पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं हम लोग हम लोग सनातनी हैं मतलब उसके हम लोग कहते हैं हजारों लाखों साल से हम लोग हैं थोड़े मूल लोग हैं मूल हिला तो उसके बदले कई की भाषाओं का जन्म हुआ जाति में धर्म में पूरा विश्व बटा और आज जब तक पहले ऐसी बातें नहीं रही लोकतंत्र हो चुका है तो उनको सबको जोड़ने का री इनर्जी में कहा ना कि आज की तारीख पूरे विश्व को जोड़ने वाली भाषा है संस्कृत अगर इसका इस्तेमाल हम लोग खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाषा हमारी संस्कृत हमारी पहचान हमारी मूल जड़ हमारा जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल होना चाहिए बन चुकी है रिलीज होने जा रही है हाँ ये फिल्म हिंदुस्तान के साथ साथ देखी टाइम के अंदर मॉस्को उसके बाद फिर पेरिस में बर्लिन में न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के बाहर की 11 कंट्रीज में एक साथ रिलीज होंगी तो उन कंट्री की जो भाषाएं हैं वो सब टाइटल रूप में होगा जैसे स्पेनिश हो गया जर्मन हो गया रशियन हो गया फ्रेंच का हो गया तो हम लेके भी गए थे अभी तो उसे आसानी होगी समझने की बाहर के लोगों को
हाँ तो इतने पसंद, इसे पहली बात तुम्हें नहीं पता था कि भारतीय क्रांतिकारियों की पहली फिल्म है राष्ट्रपुत्र जो कांस में दिखाई गई, उससे पहले कोई गए नहीं। मुझे लगता था भगत सिंह या अपना सुभाष चंद्र बोस को या सरदार पटेल या किसी के की फिल्म वहाँ को दिखाई नहीं गई, यानी क्रांतिकारियों भारतीय क्रांतिकारी पहली फिल्म राष्ट्रपुत्र जो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। सभी करीबी लोग अच्छा लगा, बढ़िया, किसी को अनजान आदमी को अच्छा लगा कि हम लोग राजपुत्र वहाँ लेके गए, वहाँ दिखाए, वहाँ के लोग अच्छा लगा अपने कल्चर से। उन्होंने इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा कि जब तक लोग वहाँ के मूल फिल्में हम लोग को नहीं लाके दिखाएंगे वो मालूम कैसे पड़ेगा, रोमांस प्रेम प्रेम या सेक्स की, मतलब सेक्स से जुड़ी फिल्में या क्या दुखा सामान्य कहानियों की फिल्में आ जाती हैं, जैसे जो भी किसी हमारे ठीक नहीं है, तो उनको उम्मीद रहती है कि हमारे कल्चर पर हमारे संस्कृति पर हमसे भारत के मूल जो जड़ है उससे जुड़ी अगर फिल्में वहाँ पर जाएंगे तो अपने लोगों से अपनी चीज़ों से वाकिफ होंगे। तो राष्ट्रपुत्र बहाने वो बहुत सी चीज़ देखे, आज़ाद को देखा, हूँ व्यक्तित्व को देखा, वो थॉट को देखा, वहाँ के लोग का कहना है कि जिस तरह हम लोग लिव फॉर कंट्री डाई फॉर कंट्री जैसे मैंने स्लोगन दिया वहाँ पे, तो उनको अच्छा लगा कि तो हर कंट्री पे लागू होता है, कि बूढ़ा हो जवान हो या वो किसी जात का हो धर्म का किसी देश प्रदेश का हो, हर व्यक्ति को अपने देश के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। जैसे पहले कहा कि राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीय, में सिद्धांत होना चाहिए, हम रहें राष्ट्र रहेगा देश रहेगा, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति 24 घंटे उसके बारे में सोचना। जो हम काम जैसे बहुत कहते हैं कि सरकार काम करते, हम क्या करें, तो घर के अंदर कुछ सोचते हैं, जैसे हम अच्छी बुरी प्रेम करते सरकार पूछते हैं, तो जो भी देश से जुड़ी समस्याएं हो किसी कंट्री का वो खुद सॉल्व करना चाहिए, राष्ट्र के भरोसे सरकार के भरोसे मतलब कहना ठीक नहीं, हम जो करते वही बनता राष्ट्र, वही बनता देश। देखिए आप खुद प्रसन्न है, खुश है, आपका परिवार खुश है तो देश प्रसन्न है, आपके घर में समस्या होगी, आपकी रोजी रोजगार रोजगारी में समस्या होगी, वो समस्या देश की बन जाती है। तो आप अपना काम करें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनके साथ में रहें। आज की तारीख में जैसे भी कोई चर्चा करा था कुछ देर पहले कि लोग 18 साल 20 साल 22 साल की जैसे ऊपर होते कमाना चालू करते थे गलत घर की डिमांड करते, ये बंद होना, संयुक्त परिवार का जो परिभाषा था, जो भारत की परिभाषा थी, वो कहीं ना कहीं टूट रही। आज के यूथ नहीं कहता हूँ कि सही गलत, ये कहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहें, साथ में रहें, परिवारवादी निकल के राष्ट्रवादी परिवर्तित होता। जो हम घर में करते जो बोलते हैं वो देश के अंदर ही रह के बोलते हैं, वो देश की चीज़ हुई ना, और मैं यहाँ बैठा हूँ राष्ट्र बैठा हूँ तो देश से अपने आप जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँ, चाहे इलेक्ट्रिक बिल ठीक से भरूँ, कमाऊँ, टैक्स दूँ, चोरी चवारी ना करूँ, तो ये सब चीज़ जीएसटी टाइम भरूँ, जो भी सरकारी नियम बनते हैं, देश के विकास का पैसा जाता है देश को भी, वो सबके काम आता है। जो कम कमा नहीं पाते हैं, जो बीमारी इलाज नहीं करा पाते हैं, जिनको दिक्कतें होती है, तो हमारे धन से उनका काम होता है, हर व्यक्ति कमाए सरकार को टैक्स दे और ईमानदारी से काम करे, परिवार का सुख होता है, वो भी उसका भी आनंद ले साथ में रहते हुए, तो देश अपने आप सुखी रहेगा। सर इस फिल्म के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीयम, कंट्री के लिए जियो, कंट्री के लिए मरो, हम रहे ना रहे, कोई 100 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, कोई 25 साल के लिए आता है, ये राष्ट्र रहेगा, आपकी कृति आपके जाने के बाद लोग याद करें, आपकी रचना को आपके बारे में जाने के बाद याद करें, वो राष्ट्र याद करता है। मान लो आज मैं नहीं रहूंगा, कल चले जाऊंगा, तो जाने के बाद मेरी चाहे कविता हो, मेरा चाहे लेखन हो, चाहे मेरी रचना हो, चाहे हम ब्रह्मास्मि राष्ट्रपुत्र या आने वाली कई फिल्में हैं, इसके माध्यम से लोग मुझसे जुड़ेंगे क्योंकि मैं नहीं रहूंगा। तो ऐसे हर व्यक्ति से लागू होता है, काम वो करो आपके जाने के बाद भी आपका जीवन हो। जैसे मैंने कहा ना, अस्तो मा सद्गम है, तम सो मा ज्योतिर्गम है, मृत्यु और मा अमृतम गमय, तो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है आपकी कृति, आपकी रचना, आपका सृजन। वो हर व्यक्ति के साथ मौका आता है कि अपने काम को ईमानदारी से करे, पवित्र तरीके से करे, वो धन भी देगा, सम्मान भी देगा, आपके जाने के बाद आपको याद भी रखवाएगा लोगों से। कुछ लोग करते हैं उसका, मतलब राष्ट्र तो हो नहीं आता ना, और तो जवाब भी दिया राष्ट्र से बड़ा कोई होता नहीं है, जीता जाता राष्ट्र। व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दैट स्टूडेंट्स, दोस हु डू एंटी नेशनल स्लोगन, दे डू लाइक कन्हैया लिव फॉर कंट्री डाई फॉर कंट्री, बाकी लोग ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं उसका। अगर जो आदमी यहाँ आ जाएगा, दूसरे लोग जो ईमानदार है, राष्ट्रवादी है, जो देश भर सोचते हैं, उनको ठीक करेंगे, चिंता नहीं उसका। आप
आजाद जी, आजाद जी, मेरा सवाल आपसे है, अहम ब्रह्मास्त्र की बात करें, राष्ट्रपुत्र की बात करें, आप आजादी की ख्यालों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आजाद जी केवल नाखून कटा के आजादी में के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब तो डायलॉग में नाखून कटा कर शहादत का मुआवजा वसूलने वालों के नाम पे लाखों एकड़ बांट दिए गए। आज की तरह जितने भी घाट बने हुए हैं उन्होंने नाखून कटवाया, घाट बन गए, किसी का किसी का क्या बोलते घाट 5 बीघे का है, किसी का 4 एकड़ का है, 10 बीघे। डायलॉग फिल्म के अंदर मेरा तो राजपुत्रा में था कि नाखून कटाकर शहादत का मुआवजा वसूलने वालों को लाखों एकड़ बांट दिए गए, उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। वही आज की तारीख में पेंशन नहीं मिला आज़ादी के बाद, तो मिला वो जो गांधी के पीछे चलने वाले लोगों को मिला, ना कि किसी भी क्रांतिकारी परिवार को मिला। जरूरत तक तो देश में सब अपनी अपने अलग तरीके से आज़ादी में लोगों ने योगदान दिया, जाने दी, तो सबको समान सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला, उसी के लिए बनाया राष्ट्रपुत्रा, अब बनाया मैंने हम ब्रह्मास्त्र। कोई स्पेशल स्क्रीनिंग आप रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए या पूरे उनके कैबिनेट मिनिस्टर के लिए? हाँ रखेंगे, तो अपने आप ही होगा, ब्रह्मास्त्र भी अपने आप में कहने के लिए चौथी पांचवी फिल्म है, लेकिन पहली फिल्म है मेन स्ट्रीम की, और पूरा देश देखेगा, राष्ट्र देखेगा, जो महत्वपूर्ण लोग देखेंगे, वो तो बुनियाद है, हमारे आधार है, उनको देख के फिल्म बनाने का मौका मिला कि जब विचारधारा अच्छी बनती है, जिस विचारधारा के अनुकूल, मैं भोसला मिट्टी का स्टूडेंट हूँ, राष्ट्रवादी विचार भारधारा पुत्र हूँ, तो वहाँ जो शिक्षा मिला, जो ज्ञान मिला, जो 7-8 साल मैंने वहाँ बिताए, उसी की बुनियाद है कि आज इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, न जाने कोई प्रेम रोमांस के पीछे कर रहा होता शायद। ज्ञान की प्राप्ति हो, अच्छा काम करे, राहुल स्थिति हो, स्थिति उनकी राहुल गांधी, राहुल गांधी उसको दुनिया ने उस पर देश जनता दुखा दिखा चुकी है, देख लाख बचे नहीं अब तो। विश्व ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम।